जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ फार्मिंग। तो आप लोग देख ही रहे होंगे ये इंक्यूबेटर बन के रेडी है और अभी ये पूरा तैयार हो चुका है। इसमें 600 बत्तख और 600 मुर्गी के अंडे लगाए गए। ये अभी टर्नर बाहर रखा गया है शटर, इसलिए कि अब इसकी टेस्टिंग हो रही थी। अभी टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। ह्यूमिडिटी का सिस्टम पूरा बाहर से लगा हुआ है, फैन, लाइट, एलिमेंट, एग्जास्ट फैन, सेंसर, सारी चीज़ें ओके हैं। मशीन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गुड कंडीशन में चल रही है, क्योंकि अभी गेट खुला, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। बाजार ये टेम्परेचर बहुत तेज़ पकड़ता है। और फुल ऑटोमेटिक एलुमिनियम बॉडी पे, आपको पता है एलुमिनियम ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, ना तो सड़ने का डर ना तो गलने का डर। तो इस तरीके के इंक्यूबेटर हमारे पास रेगुलर बन रहे हैं और सेल हो रहे हैं। आप लोगों इससे पहली वाली वीडियो में भी देखा होगा, 3-4-5 इंक्यूबेटर जाए गए हैं सारे बाहर, सब जा रहे हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो और आप लोग देखिए, लोग बताओ। हाँ जी हाँ भाई, हूँ मैं सरताज। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये इंक्यूबेटर मेरा बन के बिल्कुल तैयार है और इसकी बड़ी अच्छी मार्केट में मांग है, क्योंकि ये छोटे छोटे किसानों के पहुँच के दायरे में आता है, कम रेट में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटिक ये सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इसमें बत्तख मुर्गी का है और बटेर का भी लगाने के लिए फार्मूला सब इसमें फिट हो सकता है। आप लोग इसको लेने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें देखिए फुली तरीके से टर्निंग हो रहा है, ऑटोमेटिक टर्निंग, देखिए इस पर गौर करिए। देखिए अभी ये कट हो जाएगा, क्योंकि जितना सेंसिंग जाएगा इसमें, अभी ये टर्न होने के बाद अपने मानक के अनुरूप फिर कटिंग मार देगा। ये देखिए देखिए चल रहा है, बिल्कुल कटने वाला है। ये देखिए स्टॉप हो गया। तो इस तरह टर्निंग अंडे के बराबर होती रहती है हर 1-1.5 घंटे पे। तो इस तरह फुली ऑटोमेटिक ये मेरा बनाया हुआ है, ये टेस्टिंग कर चुका हूँ। इसमें कॉयल है, बल्ब भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि लाइट बत्ती उजाला के लिए। और इसमें ह्यूमिडिटी और कंट्रोलर सब लेस एकदम। ये फुली जल एलुमिनियम बेस पे फाउंडेशन बना हुआ है बॉडी पे, तो एलुमिनियम सड़ता गलता है नहीं, चूँकि इसमें ह्यूमिडिटी होती है। कोई भी लोहे का सामान ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा लगता है तो वो गल जाता है, तो इसमें गलने का सिस्टम से निजात पाने के लिए एलुमिनियम इसमें बनाया गया है इसकी बॉडी, जिससे गले सड़े ना। और इसमें अंडा लगा के फुली ऑटोमेटिक भूल जाइए बिल्कुल, 21 दिन में बच्चे निकलने लगते हैं मुर्गी वाले, बत्तख के 27 दिन पे निकलते हैं। आप इसको 4-4 दिन पे हैच बराबर कराते रहिए, जिसकी वजह से आपको एक बार में ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद तकलीफ़ भी ना हो उनके ब्रूडिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। 300-300 बच्चा का आराम से निकालते रहिए, बेचते रहिए और गांव में आमदनी का एक छोटा मोटा बढ़िया जरिया बनाकर कारोबार अपना चालू कर लीजिए। तो ये हमारा आज का है बनाया हुआ, जो कि आज ये 12 अंकी के लिए रेडी है जा रहा है। ये सब सेटर अभी बाहर निकाल के इसका रखा हूँ, ये अभी अंदर इसको करके इसका डोर बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। और ये फिर अंडा जब लगता है तो इसको लगा करके, इसको अंदर करके पूरी तरह से बंद करके टेम्परेचर लगा दीजिए, मेंटेन ऑटोमेटिक सब करता है। इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी देख रेख चाहिए कि इसको टेम्परेचर बढ़िया जा रहा है, ह्यूमिडिटी जा रहा है। इसमें सब लगा हुआ है सामने, सब पता चलता रहता है। और इसमें थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के लिए पानी का टैंक भी छोटा मोटा दिया गया है, जिससे अपना ह्यूमिडिटी बढ़िया बना करके, और इस पर सेंसर लगा हुआ है जो बताता है कि ह्यूमिडिटी कितना है। तो इस तरह बहुत कामयाब मेरी मशीन है जो हमने यहाँ बनाया है। इसमें पूरी तरह से फुली ऑटोमेटेड तरीके दिया गया है। आप लोग इससे लेने के लिए कम रेट में इसको तुरंत संपर्क करिए और ऑर्डर दीजिए, हम आपको इसको बना के देते हैं। आप लोग भी गाँव में एक छोटा मोटा रोज़गार चालू कर लीजिए आत्मनिर्भर भारत में। ये भी एक सहयोग करने के लिए बहुत बढ़िया मशीन मैंने बनाई है, देखिए फुली ऑटोमेटिक।